सई और विराट को ये करने के लिए सत्या जबरदस्त प्लान करने वाला है, एक बीच की कड़ी बनने वाला है, एक ऐसी मजबूत कड़ी जिसके बाद सई और विराट को कोई अलग नहीं कर सकता है। फिलहाल आप सबको भले ही ये बात लग रही हो कि सई और सत्या की शादी हो जाएगी, लेकिन प्रेडिक्शंस कुछ ऐसी ही है कि सई और सत्या की जो शादी होगी वो एक तरीके से नकली शादी होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि सई और विराट हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। वेल, आने वाला एपिसोड बहुत धमाकेदार है, जहां पर आप सब देखने वाले हैं कि जो सत्या है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग करने वाला है। सत्या ने देख लिया है कि सई जो है वो विराट से कितना प्यार करती है, सत्या ने सब कुछ समझ लिया है, और सत्या जो है वो सई की सारी बात सुनने वाला भी है। सत्या जो है वो सई से सब कुछ पूछने वाला है कि क्या हुआ था, कैसी सिचुएशन हुई थी, और सई ने जो है वो घर क्यों छोड़ा था, और पाखी कैसे विराट की ज़िंदगी में आई। ये सारी सिचुएशन जो है वो सही बताने वाली है सत्या को। ये सुनने और देखने के बाद सत्या पूरी तरीके से श्योर हो जाएगा कि सई और विराट एक दूसरे के लिए बने हैं, और साथ ही साथ सत्या ने ये भी देखा कि क्या फील करती है सई विराट के लिए, तो वहीं पर विराट की भी जो फीलिंग्स है सई के लिए वो भी देखने को यहाँ पर मिली है, और ये चीज़ जो है सत्या बहुत ही माइन्यूटली देखता है, ऑब्जर्व करता है। और इसके बाद अब सत्या ज़बरदस्त तरीके का प्लान करने वाला है। सत्या जो है वो सई से अपने प्यार का इजहार करने वाला है, एक तरीके से ये नाटक ही है। हालांकि सत्या के मन में सई के लिए प्यार तो है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा कि सई और विराट अलग हो जाएं। ऐसे में सई और विराट को एक करने के लिए सत्या जो है वो सई को अपने दिल की बात कहने वाला है। फिलहाल तो आप ये देख रहे हैं कि सई जो है वो सत्या के आगे पीछे घूमती नज़र आ रही है, ताकि जो है विराट को प्रॉब्लम हो और विराट जो है उससे नफरत करने लगे। ऐसी प्लानिंग जो है वो सई की तरफ से थी, लेकिन अब जो है सत्या यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें करने वाला है, क्योंकि उसने देख लिया है कि सई को जो है वो विराट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सई जो है वो विराट के बिना नहीं रह सकती है। उसने अपने आप को किस तरीके से दबा कर रखा हुआ, अपनी फीलिंग्स को जो है वो जाहिर नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो सत्या है उसने सई की फीलिंग्स देख ली, नंगे पाँव जो है वो दौड़ती चली गई, यहाँ पर बेसुध होकर किस तरह से वो भागी है जंगल में। इस बात की भी परवाह नहीं थी कि जंगल में जंगली जानवर है और उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। पैरों में इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, आप सबने देखा कि सई के पाँव में किस तरह से छाले पड़ गए थे, और ये देखकर विराट बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, और आप देख सकते थे कि किस तरह से विराट ने पट्टी की। ये सारी चीज़ें जो है वो सत्या ने बहुत अच्छी तरह से देखा है, और सत्या जो है वो अब सई और विराट की ज़िंदगी में किस तरह से मसीहा का काम करने वाला है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद सत्या और सई की शादी हो जाए, उनके लिए यकीनन एक बड़ी खबर है, और ऐसा माना जा रहा है कि सई और सत्या की शादी नहीं होगी, बल्कि साइरट यानी कि सई और विराट को मिलाने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो सत्या बनने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोई ना कोई ज़रिया बनता ही है, और साथ ही साथ अब यहाँ पर सत्या ही वो ज़रिया बन रहा है, जिससे यहाँ पर विराट और सई को इस बात का एहसास हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो वहीं पर जो सत्या है वो बहुत बड़ा राज खोलने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर माना जा रहा है कि सत्या और सई की जो ये शादी होगी वो सिर्फ एक दिखावे वाली शादी होगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा आगे की कहानी किस तरफ जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।